नो, लास्ट टाइम ने किया था डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर. देर आर लार्ज नंबर ऑफ गैसेस, देर आर नंबर ऑफ गैसेस विच डिविएट्स फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. सो नो गैस इज आइडियल एट लो टेम्परेचर, आइडियल एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. और रीजन इज दैट एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स cannot be neglected and there is appreciable force of attraction between gas molecules jo hum already kar chuke hain. Now our next today's topic is van der Waals or real gas equation. Real gas equation, J.D. van der Waal, or the name of a scientist J.D. van der Waal, he gave J.D. van der Waal. इसने क्या किया 1873 में, इसने कहा प्रेशर एट लो टेम्परेचर हाई प्रेशर क्यों नहीं एप्लीकेबल होता है, क्योंकि प्रेशर कम होता है, जो हम प्रेशर जो होना चाहिए उसे कम होता है, बिकॉज गैस मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड बाय अदर गैस मॉलिक्यूल्स. सो जो गैस मॉलिक्यूल्स कोल्यूजन्स करेंगे वॉल्स ऑफ कंटेनर से, वो लेस होंगे, लेस इफेक्ट होंगे, लेस फोर्सफुल होंगे, बिकॉज अगर ये गैस मॉलिक्यूल ऑर्डिनरी कंडीशन में स्ट्राइक करता है वॉल को, अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, हाई टेम्परेचर है, तो ये मॉलिक्यूल जो फोर्स से करेगा दैट दैट इज द प्रेशर. Now, at low temperature and high pressure, molecules are closer to each other. So, this molecule attracts this molecule from behind. This molecule attracts this molecule from behind. This molecule attracts this molecule from behind. So, this collision will be not so powerful. That is why pressure will be less. So, यही उसने कहा कि J.D. van der Waal ने, there should be correction in pressure. And that correction in pressure was... तो प्रेशर में कोई चीज ऐड करना पड़ेगा एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तभी ये एक्चुअल प्रेशर बनेगा. और वॉल्यूम है, और वॉल्यूम जो है पीवी इज कॉल्ड एनआरटी जो है, उसने कहा कि वॉल्यूम में कोई चीज ऐड करना पड़ेगा तभी वो एक्चुअल वॉल्यूम होगा. रीजन क्या है देख लीजिए, सॉरी वॉल्यूम में कोई चीज करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ एनआरटी ऐसी कोई इक्वेशन होनी चाहिए, प्रेशर में कोई थोड़ा सा प्रेशर करेक्शन ऐड कर लीजिए और वॉल्यूम में प्रेशर वॉल्यूम कम कर लीजिए, बिकॉज जब मॉलिक्यूल्स क्लोजर है, लो टेम्परेचर है, तो ये मॉलिक्यूल्स है क्लोजर है एक दूसरे को, हम तब भी टोटल कंटेनर का वॉल्यूम मानते हैं टोटल वॉल्यूम, जबकि ये हो ही नहीं सकता है, बिकॉज जो ये मॉलिक्यूल्स का अपना मास अपना वॉल्यूम है, अगर इनको मैं एक ही जगह पर लाऊं, सब मॉलिक्यूल्स को एक जगह पर सपोज लाऊं, मैं इन मॉलिक्यूल्स को मैं एक ही जगह पर लाऊं और देखूं कि इनका वॉल्यूम, ध्यान सुनो ये मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है, तो वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दिस वॉल्यूम दिस टाइम. तो एक्चुअल वॉल्यूम जो अब रहेगा, जो कंप्रेस होगा, वो इसको छोड़ के होगा. सो तभी करेक्ट आएगा अगर हम इस वॉल्यूम इस पार्ट को इस वॉल्यूम पार्ट को इस वॉल्यूम पार्ट को अगर हम लाइक दिस, ये एक्चुअल वॉल्यूम रहेगा जो कंप्रेस हो सकता है, बिकॉज वी कैन नॉट नेग्लेक्ट दिस पार्ट नाउ, ये नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पर इस पार्ट को नेग्लेक्ट करते हैं, बिकॉज जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम की कोई मतलब नहीं है. सो तभी मैंने कहा कि प्रेशर में ऐड करो कोई चीज, उतना करो ऐड जितना मॉलिक्यूल्स पीछे से खींचते हैं, और वॉल्यूम में कोई चीज माइनस करो, उतना करो सब्ट्रैक्ट जितना मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है. तो उसने एक रिलेशन निकाली, उसने क्या कहा, उसने कहा पी को ऐड कर लो प्रेशर करेक्शन, एंड दैट प्रेशर करेक्शन ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर उसने दिया.
ये कैलकुलेट करके किया एन स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और वॉल्यूम को माइनस कर लो एन बी, डेट विल बी इक्वल टू एन आर टी। सो पीवी इक्वल एन आर टी में उसने क्या किया, उसने एक चेंज लाई पीवी इक्वल टू एन आर टी, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज रियल गैस इक्वेशन और वैन डर वाल्स इक्वेशन। रियल गैस इक्वेशन भी इसको कहते हैं और वैन डर वाल्स इक्वेशन, राइट। अब इस इक्वेशन को हम किसी भी जगह पर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए लो टेम्परेचर होगा तो इस टर्म का वैल्यू होगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर इन दो टर्म्स का वैल्यू होगा। अगर हाई टेम्परेचर होगा लो प्रेशर होगा तो ये जीरो आएंगे उस टाइम, इनका नेग्लिजिबल वॉल्यूम है, तब ये कुछ भी नहीं है, तब पी वी इक्वल एन आर टी हो जाता है। सो दिस इज आइडियल गैस, सॉरी दिस इज रियल गैस इक्वेशन और वैन डर वाल्स इक्वेशन, राइट। अब इसमें ये ए एंड बी क्या है, ए एंड बी आर नोन एज वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स। अब इन ए एंड बी को हम वैन डर वाल्स कॉन्स्टेंट्स का यूनिट आता है, एग्जाम में एंट्रेंस में बहुत बार आया है। तो ए एन बी देखो, पी को मैंने प्रेशर करेक्शन जो है, प्रेशर जो मैंने प्रेशर करेक्शन जो पी का प्रेशर करेक्शन है, पी को प्लस किया एन स्क्वायर वी स्क्वायर से, सो दैट प्रेशर करेक्शन स्मॉल पी इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। इससे हम वैल्यू निकालेंगे ए का, और वॉल्यूम करेक्शन एन बी, उससे वॉल्यूम निकालेंगे बी का। तो पी इज कॉल्ड एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, इसी को हम सॉल्व करते बता ए किसके बराबर आएगा, पी वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो अगर क्वेश्चन आएगा ऐसे यूनिट निकालो ए का, ऐसे यूनिट ऑफ ए पी का प्रेशर है ऐसे यूनिट पास्कल, और वॉल्यूम का डीएम क्यूब है का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर मतलब मोल स्क्वायर, ये हो गया एस यूनिट ऑफ ए। सिमिलरली एस यूनिट ऑफ बी किसके बराबर है, नॉर्मली हमने इसके बदले और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, और पास्कल पास्कल लीटर ऊपर स्क्वायर है, क्योंकि डीएम क्यूब मतलब लीटर भी है और मोल स्क्वायर, ऐसे भी लिखा होगा ये भी चलेगा। दिस इज अबाउट ए। नाउ व्हाट अबाउट बी, बी क्या है, बी इज अगेन बी भी एक कांस्टेंट है, बी इज आल्सो कांस्टेंट, उसको हम वॉल्यूम करेक्शन में लेते हैं। अब हम निकालूंगा बी, बी क्या है, देखो वॉल्यूम करेक्शन अगर मैं ले लूं, वॉल्यूम करेक्शन वॉल्यूम को जो हमने माइनस किया था स्मॉल v इज इक्वल एन बी, तो b किसके बराबर आया v बाई एन, v का ऐसा यूनिट निकाल लिया, b का ऐसा यूनिट b, व्हाट इज ऐसा यूनिट b, नाउ ऐसा यूनिट b इज v वॉल्यूम क्यूबिक डेसीमीटर अपॉन मोल और लीटर अपॉन मोल पर लीटर पर मोल, लीटर पर मोल भी लिख सकते हैं और डीएम क्यूब पर मोल लिख सकते हैं। This was unit as a unit of A and B, बहुत बार आया हुआ exam entrance में particularly। फिर उसके बाद next question है, ये था what is volume correction and what is pressure correction, right? फिर इसके बाद एक question है what is kinetic gas equation क्या है? उससे पहले मैं एक और question बताता हूँ। There are three types of velocities of gas molecules. First is most probable velocity kya hoti hai, what is most probable velocity of gas molecules? Dekho most probable velocity of gas molecule, in a gas each molecule has different velocity, isliye har ek molecule ke alag alag velocity hai, to hum velocity kaise maane? Suppose ye gas hai, this is a gas, let us suppose I am taking a gas having gas molecules, these are gas molecules, har ek iski do velocity hai, iski 1 hai suppose 1 meter per second, iska 3 hai, iska 4 hai, iska 2 hai, iska suppose let us take 4, iska ek aur hai, iska 2 hai, yahan ek, to ye different molecules ki velocity hai, aapko dekhna hai ki jo मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स में कौन सी वेलोसिटी है। अगर हम देखें मैक्सिमम इसमें दो है,
इसमें दो है, इसमें दो है और इसमें दो है, तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के दो है, तो टू बिकम्स 2 मीटर पर सेकंड, या जो भी जिसमें भी गिवन होगा, सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, जो भी होगा, दैट बिकम्स मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सो व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी? इट इज द वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है, ये क्या है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी? इट इज अ वेलोसिटी पजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ वेलोसिटी पजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स वेलोसिटी पजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, राइट? इट इज डिनोट बाय अल्फा, इसे अल्फा अल्फा से डिनोट करते हो, और मैथमेटिकली अल्फा इज इक्वल टू आर टी बाय एम। रिमेंबर दिस रिलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, अल्फा और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैथमेटिकल रिलेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू आर टी बाय एम, राइट? This is what is most probable velocity. Now, next type of velocity is root mean square velocity of gas molecules. Root mean square velocity of gas molecules. Square velocity. RMS को बोलते हैं. हम denote करते हैं U RMS से velocity, और नीचे लिखेंगे RMS. देखो नाम से ही पता चल रहा है. अगर suppose there is a gas, suppose this is a gas. Having different molecules, 1, 2, 3, 4, 5, ये molecules है, इसका 2, 1, 3, 2, 3 और 4, ये molecules है। अब इन molecules की root mean square velocity देखना है, हर एक molecule का root mean square velocity निकालना है, मतलब इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, 3 इधर का भी, 2, इन सब का हम निकालेंगे रूट मीन स्क्वायर, और वही आएगा आरएमएस। देखो ऐसे आरएमएस इज इक्वल रूट निकालना है सबका, मीन निकालना है, जैसे 1 स्क्वायर का, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन कितने टोटल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 से डिवाइड करना है। This becomes root mean square velocity of gas molecules. अगर ये निकालने के लिए हम निकालें तो ये भी निकाल भी सकते हैं, ये क्या बात है। 1 plus 16 plus 9 plus 4 plus 9 plus 4 upon 6, go on adding them, 17, 26, 30, 39 and 43 by 6, लगभग लगभग 7 root, root of 7 आ गया, तो ये हो गया लगभग 2.1। तो हमने रूट हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालने का तरीका। सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एज ए नेम सजेस्ट इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पजेस्ड बाय डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, इट इज डिनोटेड बाय यू आर एम एस, एंड रिमेंबर यू आर एम एस इज इक्वल टू, मैथमेटिकली यू आर एम एस इज इक्वल टू द रूट ऑफ 3 RT/m। सो इसका मतलब है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमेशा ग्रेटर देन होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के, राइट? ये अभी तक आया हमें। नाउ थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ वेलोसिटी जो हमें करनी है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एवरेज वेलोसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज वेलोसिटी? मॉलिक्यूल्स की एवरेज वेलोसिटी, देखो एवरेज निकालना है सिंपल। अगर मेरे पास दो, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, ये इतने मॉलिक्यूल्स है, इन सब का एवरेज निकाल, दीज आर द 6 मॉलिक्यूल्स, वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज, 2 plus 3 plus 4 plus 2 plus 1 plus 2 upon 6, दैट बिकम्स एवरेज वेलोसिटी, यू बार एवरेज वेलोसिटी, 5 और 9 11 12 14 by 6, ये बन गया 2.3, जितना भी आ जाएगा दैट्स एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी इज सिंपली द एवरेज ऑफ एवरेज ऑफ वेलोसिटी पजेस्ड बाय डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, एंड इसको हम यू बार से मैंने कहा डिनोट करते हैं, एंड यू बार इज इक्वल टू 8 RT/πm, 8 RT/πm। सो थ्री टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज आर देयर, क्या क्या,
एक है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी व्हिच इज डिनोटेड बाय अल्फा, एट है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी व्हिच इज डिनोटेड बाय यू आर एम एस, एंड लास्ट इज एवरेज वेलोसिटी दैट इज यू बार। अब इनको देखो बेटा, इनको याद रखने के लिए दिस अ ट्रिक फॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर और वी कैन से डिक्रीजिंग ऑर्डर में देयर इज अ ट्रिक, यू हैव टू रिमेंबर राम, आर ए एम राम, जय श्री राम वाला राम याद रखना है। आर मीन्स रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी रूट, सो रूट मीन्स स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। फिर आएगा एवरेज वेलोसिटी यू बार, एंड देन इट इज एम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अल्फा। ये सबसे ज्यादा रूट मीन स्क्वायर, देन एवरेज, एंड देन इट इज अल्फा। दिस वाज अबाउट राइट, हम ऐसे भी लिख सकते अगर हम चाहे तो, वी कैन राइट लाइक दिस एज वेल। अगर रूट मीन्स, अगर हम अल्फा वन माने, इट इज 1.128 एंड इट इज 1.228, 1.224 अदर 1.224, 1.224, 1.128 एंड 1, राइट। दिस इज अबाउट अबाउट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। Now there's another question, what is kinetic gas equation? Ideal gas equation PV is equal to nRT हमने already किया है। Real gas equation हमने अभी किया, P plus n square by n square, V minus nV is equal to nRT. Now there's another equation, that is kinetic gas equation. Kinetic gas equation, right? Kinetic gas equation is PV equal to 1/3 mnu square, u bar square average. P is pressure of gas, V is volume of gas, m is mass of one molecule. Yaad rahe, m is mass of one molecule, n is number of molecules. Capital N is here number of molecules. N is mass of one molecule. And u bar is average velocity, right? This is kinetic gas equation. Now there's another question we have to derive, but that will be our next class, right? Thank you so much.